नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज मनाया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, कानूनविद और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे बाबा साहेब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के मोन जिले में हुई घटना पर संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। कहा, भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और घटना की विस्तृत जांच के लिए किया गया है एक एसआईटी का गठन। तेजू में हुई भारतीय जनता पार्टी की लोहित जिला इकाई की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तागाक ने कहा, कार्यकर्ता किसी भी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद, जनता से जुड़ने में निभाता है अहम भूमिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब एक महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, कानूनविद और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। श्री नायडू ने कहा कि वो शोषितों के मसीहा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी ट्वीट कर बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के दोनों सदनों में नागालैंड के मोन जिले में हुई घटना पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताती है। गृहमंत्री ने कहा कि नागालैंड घटना की विस्तृत जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोही के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। श्री शाह ने कहा कि सेना को मोन के ओटिंग इलाके में उग्रवादियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी आधार पर कमांडो दल ने संदिग्ध इलाकों में घात लगाकर हमला किया था। गृहमंत्री ने कहा कि इस पूरी घटना में 14 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। उन्होंने संसद को बताया कि सेना ने एक बयान जारी कर निर्दोष नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की घटना पर खेद व्यक्त किया है। उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी, इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन
और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिक पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी की लोहित जिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज तेजू में हुई, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सलाहकार ताई तागाक और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. महेश चाय सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए ताई तागाक ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और जनता से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश प्रवक्ता डॉ. महेश चाय ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मुख्यमंत्री पेमा खांडू की सरकार द्वारा लिए जा रहे जनहितेशी फैसलों से जनता को अवगत कराए। कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारा स्कीम्स के बारे में मालूम होता होगा, लेकिन गांव में रहने वाले जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारा स्कीम्स के बारे में मालूम ही नहीं है। बेनिफिट ले रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं। गांव बुढ़ा का जो ऑनोरेरियम है, राज्य सरकार ने उसको 1000 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया। शायद 1500 रुपया अभी ले रहा है गांव बुरा, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ये पेमा खांडू गवर्नमेंट ने दिया। हेड गांव बुरा का 1500 से 2000 कर दिया। हेड गांव बुरा ले रहा होगा 2000 रुपया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये 500 रुपया अभी हाल में हमारा राज्य सरकार ने पेमा खांडू साहब ने बनाया। आशा वर्कर का भरा दिया, आंगनबाड़ी वर्कर का भरा दिया, आंगनबाड़ी हेल्पर का भरा दिया। तो ये हमें कार्यकर्ता होने के नाते जानना है, लोगों को बताना है कि आपको ये इसीलिए मिला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है, क्योंकि CM पेमा खांडू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस सिंसियरिटी के साथ आप लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोग जरूर इसके बारे में सोचेंगे। जरूर उनको अपना गलती का एहसास होगा कि रूलिंग पार्टी में हमने वोट नहीं देके हमारा क्या नुकसान हुआ। आज जिस तरह से दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। बीते 30 नवंबर को पापुमपारे जिले के नरजुली में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लीचा तान्या को न्याय दिलाने के उद्देश्य से रविवार शाम को सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लीचा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कैंडल मार्च की शुरुआत नरजुली स्थित हुतो इंग्लिश स्कूल से हुई और लेखी विलेज में मृतक लीचा तान्या के घर तक लोगों ने कैंडल मार्च किया। लीचा तान्या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के 3रे सेमेस्टर का छात्र था। उसमें ये सारा जो उसमें है दवा के पे दवा के जाता है और ये ड्रग्स पीने वाला लोग खाने वाला लोग वो लोग भाग जाता है अंधेरा में फिर निकल जाता है ऐसे है। तो इसलिए गवर्नमेंट को मेरा मांग है कि उसमें कभी कभी ये सांदर को नहीं बजा के जाके जहाँ में अंदर साइड में कहा में उसमें वो लोग ड्रग्स पी रहा है दारू पी रहा है वो लोग को पकड़ना है
वो ऐसा करता नहीं है कि अपना उसमें है ड्यूटी में जाता है लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज तवांग जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी की सियांग जिला इकाई ने आज जिले में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे का बंद आयोजित किया। कांग्रेस ने पांगन पासीघाट रोड पर रोहतुंग विलेज के पास ललक पॉइंट पर हाईवे निर्माण कार्य फिर से शुरू करने में हो रही देरी और पेट्रोल डीजल रसोई गैस आदि की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में सियांग जिले में 12 घंटे का बंद किया। इस बंद के कारण लोगों को समस्या का भी सामना करना पड़ा। जो कि NH-13 नेशनल हाईवे जिसको कि पीपी रोड के नाम से भी जानता है रोहतुंग करके एक एरिया में पिछले जून महीने से बंद पड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से कुछ कारगर कदम उठा नहीं रहा है। इसलिए आज देखिए आप खुद ही मालूम है यहाँ आज हम सड़क पर उतर आया है और सरकार से एजिटेशन कब करता है वो तो एक कोई दोहराए नहीं कि इसमें कुछ कमियाँ ज़रूर है और सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने काफ़ी गुजारिश की पर वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया और कुछ कारगर कदम उठाते दिख नहीं रहा। इसलिए आज हम सारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के आवाम की ओर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की आगवानी में इस फोन कॉल को डिक्लेयर करके आज सक्सेसफुली संपन्न होने को जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,306 नए मामलों की पुष्टि हुई जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। देश में अब तक 3,40,69,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 64,82,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। असम सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर विदेश से आने वाली यात्रियों की हवाई अड्डे पर RT-PCR अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा जो लोग बाहर से आकर असम में रहने के इच्छुक हैं उन्हें 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5 नए मामले सामने आए और 1 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 36 है। म्यांमार की एक अदालत ने आज अब्दस्त स्टेट काउंसलर आंग सान सूची को 4 साल जेल की सजा सुनाई। उन्हें म्यांमार प्राकृतिक आपदा कानून के तहत सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया था। यह आंग सान सूची के खिलाफ संभावित सजाओं की श्रृंखला में से पहला है। पूर्व अब्दस्त राष्ट्रपति विन मिंट को भी अदालत ने दोषी पाया है। उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस साल 1 फरवरी को नव निर्वाचित संसद की बैठक से 1 दिन पहले सेना द्वारा उनके नेतृत्व वाली असैन्य सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद से आंग सान सूची को हिरासत में लिया गया है। आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर 2020 के राष्ट्र चुनावों में सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को हराकर भारी बहुमत हासिल किया था। आंग सान सूची पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन भ्रष्टाचार और चुनावी धोखाधड़ी के आरोप हैं। इन आरोपों के तहत दोषी ठहराए जाने पर उन्हें कई वर्षों तक चलने वाले बहुत लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। लोंगडिंग जिले की तिस्सा मार्केट में रविवार को भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जिस वक्त आग लगी उस समय ज्यादातर दुकानदारों ने रविवार होने के कारण अपनी दुकानें बंद रखी थी। आग लगने के कारण 2 गैस सिलेंडरों में धमाके भी हुए जिससे आग काफी फैल गई। 6 वाटर टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार। भैया।